सो हे व्हाट्स अप गेमर, क्या हाल चाल तुम सभी लोगों के। एंड आई होप तुम सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो में तुम लोग को बताने वाला हूं किस तरीके तुम लोग पूजा लॉन्चर के अंदर फिजिक्स मोड डाउनलोड कर सकते हो। जी हां, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि पूरा का पूरा एकदम बढ़िया से हम लोगों का फिजिक्स मोड यहां पर वर्क कर रहा है। एंड अगर तुम लोग भी अपने एंड्रॉइड के अंदर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम लोग को वीडियो का एंड तक देखते रहना है, क्योंकि पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है मैंने आज की इस वीडियो में तुम लोगों के लिए बताया है। एंड यार, आज हम एक एम रखने वाले, तो यार 100 लाइक का एम रख रहा हूं। एंड काफी ज्यादा बड़ा रख रहा हूं, क्योंकि यार वीडियो भी इतनी ज्यादा शानदार है, इसलिए एक लाइक तो तुम लोग कर ही देना, क्योंकि यार इतनी शानदार वीडियो आज मैं तुम लोग के लिए लेकर आ चुका हूं। एंड ये इस साइड से हम लोग का थोड़ा लैग होगा, तो तुम लोग को मेरी ऑप्टिफाइन वाली वीडियो को देख लेना है, उससे तुम लोग लैग जो है फिक्स हो जाता है। तो मैं तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पर पूरा कुछ इसे वर्क कर लेता है, मतलब एकदम पूरा जावा वाला ये रियल वर्जन है, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स खेलते हैं वाला ये एडोन है रियल वाला। बिल्कुल कोई चेंजेस इसमें तुम लोग को नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे हम किसी भी एनिमल्स को मारते हैं तो उसमें जो हम लोग को इफेक्ट देखने को मिलता है, सारे हम लोग इसके लिए देखने को मिलने वाले हैं। सो जड़े फिरते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग अपनी Zarchiver ऐप को खोल लेना है। एंड अगर तुम लोग को नहीं पता Zarchiver ऐप कौन सी है, तो इसकी लिंक तुम लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद तुम लोगों ने जिस भी फोल्डर में अपना एडोन डाउनलोड करा है उस फोल्डर में आ जाना है। एंड एडोन की भी लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद सिंपली तुम लोग को 26 MB की यहाँ पर फाइल देखने को मिलने वाली, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को 3 अलग अलग फाइल देखने को मिलेगी। सिंपली हम लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है, इधर एक्सट्रेट पर क्लिक करना, विदाउट किसी पासवर्ड या फिर किसी चीज़ के यहाँ पर सिंपली एक्सट्रेट हो जाएगा। उसका एक फोल्डर तुम लोग को मिलने वाला है फिजिक्स मोड के नाम से, इसको तुम लोग को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग के पास दो मतलब जो 3 फाइल्स यहाँ पर बनकर आ चुकी है। यहाँ पर हम लोग को मल्टी सेलेक्ट करना है। एंड यह जो फिजिक्स मोड वाला तुम लोग देख सकते हो फिजिक्स मोड एंड ऑप्टिफाइन वाले को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। समय से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को कॉपी आकर जो करना है वो कर लेना है। एंड इसके बाद हम लोग को बैक आ जाना है। एंड हम लोग को नीचे लेना है, नीचे हम लोग को एक फोल्डर मिलेगा गेम्स नाम का, gamescom.mojang में जाना है। यहाँ पर पूजा लॉन्चर का ऑप्शन तुम लोग मिले, अगर तुम लोग पूजा लॉन्चर इंस्टॉल है तो तुम लोग पूजा लॉन्चर में चलाना है, यहाँ पर माइनक्राफ्ट में चलाना है। एंड यहाँ पर मोड्स में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना। अभी मैं फिलहाल इसको नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये पहले से ही जो है हमारे पेस्ट मैंने कर रखे हैं। एंड तुम लोग क्या, अगर तुम लोग पहली बार जो इसको इंस्टॉल करते हो अपने पूजा लॉन्चर को, तो तुम लोग जो ये देख सकते हो माइनक्राफ्ट वाला जो हमारा जो है ये फोल्डर है वो तुम लोग नहीं देखने को मिलेगा। उसके लिए तुम लोग क्या करना, हमारी जो सेटिंग है उसमें चले जाना है Zarchiver की। उसके बाद तुम लोग को जाना है फाइल लिस्ट में। एंड यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो फाइल लिस्ट में तुम लोग को एक ऑप्शन मिलेगा शो हिडन फाइल, तो ये तुम लोग के ऑफ होगा, इसको तुम लोग को ऑन कर देना है, तभी जो तुम लोग माइनक्राफ्ट वाला फोल्डर जो है देखने को मिलेगा। सो अभी जो हम लोग के 2 फोल्डर थे वो हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। एंड जो हमारा एक बच्चा है हमारा जो है ये फोर्ज वाला, इसका जो हम लोग को गेम में काम होने वाला है, तो सिंपली अभी हम लोग को जो हमारा पूजा लॉन्चर है APK उसको जो इंस्टॉल कर लेना है। एंड अगर तुम लोग को नहीं पता कि पूजा लॉन्चर कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तुम लोग को वो देख लेना है। एंड यहाँ पर मैं अपना अकाउंट जो सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद हम लोगों का गेम चालू हो जाएगा। एंड इसके लिए तुम लोग अपना नेट ऑन रख लेना है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मेरा नेट ऑन हो चुका है, तभी जो सारे वर्जन तुम लोग को यहाँ पर शो होने वाला है। सबसे पहले तुम लोग क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो तुम लोग देख सकते हो 1.16.5, अभी मैंने नेट अपना बाद में चालू करा इसलिए मेरे को सारे वर्जन अभी शो नहीं कर रहे हैं, बट तुम लोग सारे करेंगे। अभी तुम लोग को सिंपली 1.16.5 वाला वर्जन जो है पहले डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, प्ले पर क्लिक करोगे। उसके बाद तुम लोग क्या करना है, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद मोड लॉन्च अ मोड इंस्टॉलर फर्स्ट वाला तुम लोग ऑप्शन देख पा रहे हो, उसके ऊपर तुम लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद तुम लोग उस फोल्डर में चले जाना है जहाँ पर तुम लोगों ने अपना डाउनलोड करा है। डाउनलोड करने के बाद तुम लोग देख सकते हो जो हमारा 4G इंस्टॉलर है, जो हमारी एक फाइल बची थी उसके ऊपर हम लोग को क्लिक कर देना है। ये होने के बाद हम लोग कुछ इससे प्रोसेसिंग रहेगा, तो इसको थोड़ा होने देना है। ये होने के बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हो क्रॉस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग उसको क्रॉस कर देना है। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हम लोग का जो यहाँ पर ऑन हो चुका है। एंड अभी जो है मैंने इसको ओके कर लेना है तुम लोग को इंस्टॉल पर सेलेक्ट करने के बाद। अभी मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है। एंड तुम लोग को इंस्टॉल करने के बाद पूरा प्रोसेसिंग हो जाएगा, उससे बाद तुम लोग को फोर्स क्लोज पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो हम लोग ओके पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर थोड़ा लोड रहेगा, एंड मैंने पहले से ही कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद तुम लोग को जो है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास सारे ऑप्शन आ चुके हैं। इसके बाद तुम लोग को नीचे आना है। एंड तुम लोग देख सकते हो फोर्ज वाला जो ऑप्शन है हम लोगों को यहाँ पर जो मिल जाएगा। एंड ये ऑप्टिफाइन वाला अलग है, ये ऑप्टिफाइन वाला अलग है। फोर्ज वाला तुम लोग देख सकते हो 36.0.6 वाला तुम लोग का ऑप्शन आ जाएगा पूरी इंस्टॉलेशन करने के बाद। उसके बाद सिंपली तुम लोग को प्ले पर क्लिक करना है। प्ले पर क्लिक करने के बाद मेरे पास पहले से डाउनलोड है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। फिर तुम लोग डाउनलोड लेगा 17-18 MB का। एंड फिर सिंपली तुम लोग गेम जो है ओपन हो जाएगा। सो ये थी आपकी छोटी सी वीडियो। एंड अगर तुम लोग को अगली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करना। आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय। क्या भी तो?